गांव की सरकार संवाददाता सुरेंद्र देलू के साथ देखिए टुडे 24 पर। खाजूवाला पंचायत समिति के दूर दराज के ग्राम पंचायत आनंदगढ़ में दो उम्मीदवार मैदान में हैं। 10 अक्टूबर को होने वाले पंचायती राज चुनाव में गांव की सरकार बनेगी। ऐसे में सरपंच पद के उम्मीदवार दुरुस्त दानचारण के द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए मतदाताओं से ज्यादा अपने पक्ष में वोट देने की अपील की जा रही है। वहीं उम्मीदवार दुरुस्त दानचारण ने कहा कि आनंदगढ़ ग्राम पंचायत में आनंदगढ़ व 39 KJD दो राजस्व गाँव है, तो वहीं 2317 कुल मतदाता हैं। उम्मीदवार दुरुस्तदान चारण का कहना है कि सरपंच बनने के बाद शुद्ध पेयजल, आवासीय पट्टे, कटान रास्ते, पक्के खालों की डांट कवरिंग सहित अनेक समस्याओं का निराकरण कर ग्राम पंचायत आनंदगढ़ में विकास कार्य प्राथमिकता से करवाए जाएंगे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक ग्राम पंचायत आनंदगढ़ में टुडे 24 की टीम पहुंची व गाँव में मौजूद मतदाताओं व उम्मीदवार दुरुस्तदान चारण से बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र देलू ने। पंचायती राज चुनाव 2020 के अंतर्गत खाजूवाला के 31 ग्राम पंचायतों के चुनाव चौथे चरण की 10 अक्टूबर को होंगे। पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों में होने वाले 10 अक्टूबर को चुनाव में 108 उम्मीदवार अब मैदान में हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही मैदान में डटे उम्मीदवारों की तस्वीरें भी साफ नजर आ रही है। धीरे धीरे जैसे ही तारीख नज़दीक आ रही है, मतदाताओं में उत्साह बढ़ रहा है, तो वहीं उम्मीदवारों के द्वारा भी अब घर घर प्रचार किया जा रहा है। खाजूवाला ग्राम पंचायत समिति की आनंदगढ़ ग्राम पंचायत में इस समय टुडे 24 की टीम मौजूद है और वहाँ पर हमने यहाँ पर समस्याओं को भी जाना है। दूर दराज की ग्राम पंचायत होने के चलते आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारे साथ यहाँ पर मतदाता भी मौजूद है, हम इनसे जानना चाहते हैं। आनंदगढ़ ग्राम पंचायत आज भी कई समस्याएं दिखाई दे रही है। बात करें शुद्ध पेयजल और सड़क काटान रास्ते भी एक बड़ी समस्या है। पंचायत में कई तरीके की समस्या है। शुद्ध जल, जैसे पशु चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है, अपने गांव में जो बना हुआ नर्सिंग है उसमें नर्स नहीं है, बाकी ये जो चक्कू में है छोटे जो रास्ते हैं वो बने हुए नहीं हैं, बाकी ये जो पानी है, जो डिगियाँ हैं, इनमें सफाई कभी होती नहीं है। इसी तरह के स्कूलों में मास्टर भी नहीं हैं, ठीक है ना। इस तरीके कई समस्याएँ हैं। आने वाले 10 अक्टूबर को ग्राम की सरकार चुनेंगे, किस तरीके का उम्मीदवार चुनेंगे ताकि क्षेत्र की दूरदराज ग्राम पंचायत होने के साथ विकास कार्य करवाए जा सके? ईमानदार और विकासशील दुरुस्तदान को चुनेंगे, ठीक है। बिल्कुल, इनका कहना है कि विकास कार्य के नाम पर ही इस बार वोट दिए जाएंगे। आने वाली 10 तारीख को जहां ग्राम की सरकार चुनेंगे तो विकास कार्य करवाने के नाम पर इस बार मतदाता वोट देंगे। हमारे साथ आनंदगढ़ ग्राम पंचायत के उम्मीदवार दुरुस्तदान भी मौजूद हैं। दुरुस्तदान चारण जो इस समय हमारे साथ मौजूद है, इनका राजनीतिक कद भी बढ़ा रहा है। हम इनसे जानना चाहते हैं, कोविड-19 एक महामारी है, प्रशासन उम्मीदवारों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। कोविड-19 के बारे में मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि सभी मतदाता अपने मास्क लगा कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखें। ग्रामीणों के द्वारा बड़ी समस्या नजर आ रही है, शुद्ध पेयजल, काटान रास्ते, सिंचित इलाका होने के साथ साथ डाट कवरिंग एक बड़ी समस्या है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमें मौका मिला तो हमारी प्राथमिकता रहेगी जो सड़कें हैं या खड़ा कवरिंग है, व्यक्तिगत लाभ के जो काम है वह सबसे पहले प्राथमिकता से किया जाएंगे और ईमानदार से और भ्रष्टाचार रहित ये सारे कार्य कराए जाएंगे। दूर दराज की पंचायत होने के साथ ही शिक्षा और चिकित्सा का भी अभाव है। शिक्षा जहाँ 12वीं तक स्कूल है मगर अध्यापक नहीं है, कोशिश करेंगे कि पूरे अध्यापक के पद भरे जाएँ और सारे बच्चों को जहाँ सुविधा मिले। मनरेगा एक सरकार की ऐसी योजना है जहां हर गरीब तक राशन पहुंचता है, लेकिन यहां पर मनरेगा के अंदर भी बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, ताकि जिससे श्रमिकों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। ऐसा प्राय देखा गया है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है और लोग आज भी जॉब कार्ड चला करके अपने घर पर पैसे ले जाते हैं, जबकि पहले भी हमारे कार्यकाल में 2 साल नरेगा रही थी, हमने पूरे सबको मौके पर मिस्टोल द्वारा रोजगार दिया और सब आदमियों ने वहाँ यहाँ काम किया। वैसे भी हमें मौका मिला तो प्रत्येक आदमी को खुद को रोजगार देंगे और अपना स्वयं का काम घर का करके, जैसे खेत का काम है या खाला कवरिंग का काम करके, और अपने पैसे भी ले सके और अपना काम भी वही करे जो उसके उपयोग में आए। आने वाले 10 अक्टूबर को शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए आप मतदाताओं से क्या अपील करते हैं? सारे मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि आप शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक अपना मतदान करें, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े में विश्वास न रखें। बिल्कुल, ग्राम पंचायत आनंदगढ़ के
सरपंच पद के उम्मीदवार दुरुस्त दानचारण का कहना है कि क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाए जाएंगे, अनेक सुविधाओं से वंचित ही है गांव, शिक्षा चिकित्सा और बात करें तो सिंचित इलाका होने के साथ डार्ट कवरिंग की एक बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या नरेगा की बात करें तो श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर इन्होंने आश्वासन दिया है ग्रामीणों की ताकि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को हल करवा कर सरकार की जो भी योजना है उनको इस पंचायत क्षेत्र में भी क्रियान्वित करवाया जाएगा। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।